ठीक है, ओके ठीक गया। ओके टेंशन नहीं गिननी, टेंशन नहीं गिननी। नो 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 टेंशन। ओके बिस्मिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम बैक गाइस। अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान जकार्ता एम्बेसी के अंदर। एक्चुअली मैं जो है ना, मैंने अपना जो कार्ड था वो अप्लाई करना था कि तास, और जो सस्पॉन्सर है वो मुझे रिवाइव कर रही हैं, क्योंकि जो पहला सस्पॉन्सर था वो था आर्दे पैते दैनमी का ऑफिस का, और ऑफिस जा रहे हैं हम लोग, उसको बोलेंगे कि हमें सस्पॉन्सर चेंज करके दो और इसके नाम का सस्पॉन्सर बनवाएंगे, क्योंकि अगर इसके नाम का स्पॉन्सर होगा तो जब तास एक साल बाद एक्सपायर्ड होगा तो ये जो है ना रिन्यू करवा सकते हैं खुद, उधर इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना हमारे एक दोस्त भी आए हुए हैं जिन्होंने इंडोनेशिया के अंदर रिसेंटली शादी की हुई है, और उनकी वाइफ भी आई हुई है, वो हमारा वेट कर रहे हैं पाकिस्तान जकार्ता एम्बेसी के अंदर। सो हम लोग जो है ना मोटरवे पे मौजूद हैं गाइस, ये देख सकते हैं अभी ट्रैफिक है और रश काफ़ी ज़्यादा है। सो हम जो है ना रश के अंदर फंसे हुए हैं, और बाकी जो है ना आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मौजूद है, और पाकिस्तान का कॉन्टैक्ट नंबर है। कुछ लोग बिलीव नहीं करते कि मैं पाकिस्तान का कॉन्टैक्ट नंबर इंडोनेशिया में यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई हम सर है कि हम हलाली हैं, हम बदलते नहीं हैं जनाब, हालात बदल जाएं हम नहीं बदलते इंशाल्लाह। ये मना मसा टेंशन नहीं गिननी, टेंशन नहीं गिननी, नहीं गिननी। सो आप लोग ने टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की, और आप लोगों को अगर वीज़े के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जो है ना कमेंट में टाइप कर देना कि मुझे आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का जो वीज़ा है वो B2-1A कैटेगरी का ओपन है। बिजनेस और टूरिस्ट दो कैटेगरी हैं, कोई एक चूज़ कर सकते हैं आप टूरिस्ट की, और जो इसका क्राइटेरिया है वो है तकरीबन 2 मंथ का, और इसके बाद जो है ना वो 6 मंथ तक आप एक्सटेंड करवा सकते हैं, और शादी 20 वीज़े पे होती है और वीज़ों के चक्कर में ना पड़ना आप। दूसरा जो फैमिली वीज़ा है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। इस वीज़े के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, और जनाब बड़ा ईजी किस्म का, सिर्फ आपके आई डी कार्ड और पासपोर्ट पर आपका वीज़ा लग जाता है, कोई कुछ भी नहीं चाहिए। करंतना भी ख़त्म हो गया है, माहौल हालात काफ़ी बेहतर हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा करंतना था, लोग लाखों रुपए, 2-2 लाख रुपए, लाख लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये होटल में भरते थे लड़के, और काफ़ी सारे लड़के पहले भर के आए इतने पैसे। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो अभी माहौल बिल्कुल ओके है जकार्ता का, तो आप आ सकते हैं। ये मुझे कह रही है, मैं अभी बात कर रहा था ना, जल्दी जल्दी बात कर रहा था ना, तो ये कह रही है कि तुम इतनी जल्दी बात कर रहे हो। कुछ कुछ होता है, सो ये है जनाब, थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं शीशा खोल के आपको, नज़दीक ही हैं बस जकार्ता के, आप लोगों को जकार्ता का माहौल फिर दिखाते हैं। कल हम गए हुए थे ना वहाँ जकार्ता में, तो आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ का माहौल। यही भी जकार्ता व जरा ना इस सारे जरा ना थोड़ा जहाँ नज़दीक थी वेंदे, करीब थी वेंदे, मजीद जरा ना जल्द लास्ट हूँ ना गली दे तो थोड़ा लाए के लिखे सूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ओके ठीक गया। टेंशन नहीं गिननी, टेंशन नहीं गिननी। नो 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 टेंशन। ओके थोड़ा गकते ठीक है गकते। हाँ जी 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 जोल पाई। हाँ इडे सट्टा सट्टा से नहीं करेंगे, चौथा गियर ला, चौथा टॉप वाला। हाँ शाबाश। सो गाइस जो है ना हम लोग फाइनली जकार्ता के अंदर लैंड कर चुके हैं जनाब, और गो 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 माय लाइफ गो, सबर दिस इज फॉलो पुलिस कार, यू अंडरस्टैंड, या फॉलो इन पीछे रखी जो ले जरा पुलिस लगे जा में पा नाथ पा दे एक दफा में वाट की नेस कम ऑन कम बात को तब रे ऑर्डर करके को गली रे ब्लो एम या ब्लो पार्क में। जी है जी बिल्कुल बिल्कुल सही। वो सब मोर मशीन पे आवाज आवाज दुल्लू शाबाश। सो हम जो है ना अभी जाते हैं एम्बेसी में, और एम्बेसी सॉरी पहले दूसरे ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से स्पॉन्सर लेंगे, और उसके बाद एम्बेसी जाएंगे हम लोग।
गाइस जनाब लाहौर अंडरपास हम लोगों ने क्रॉस कर लिया और लाहौर लिबर्टी मार्केट के करीब है जनाब। सेम टू सेम वैसे अंडरपास सेम टू सेम ऐसे ही था जैसे लाहौर का अंडरपास है ना ऐसे ही था। तो मसाद यही भी जकार्ता ते यही भी इंडोनेशिया है। त्रै साल ख्वाब लेते रह गए हैं कि केरले पहुँच गए हैं केरले पहुँच गए। अखीर मसाद आपड़े हैं तो आ गोली से डॉक्टर वत हैं शुक्र अलहमदिल्ला वत पहुँच गए हैं डॉक्टर साहबा को जनाब जी। सो यहाँ की लड़कियाँ बड़ी बहुत अच्छी होती है भाई, आपका 10 साल भी वेट कर लेंगे अगर आप उनके साथ सिमसे रहें तो। इवन ना मसाद 10 साल इंतज़ार कर किन से। If I go to Indonesia after 5 year, you can waiting for me? Yes? देख बैठे हुए मैंने से पूछा है, मैंने कहा अगर मैं 10 साल भी ना आता तो मेरा वेट करती। कहती है बिल्कुल वेट करती मैं, और बिल्कुल लड़कियां यहाँ पे वेट करती हैं वाकई में, ये हकीकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ये घर की छत यार यो होता बस हो तो छत चढ़ के तो उतों की बिल्डिंग नहीं खाऊंगा, असल छत नहीं चढ़ सकता मैं, घर की मसला है प्रॉब्लम है। गाइस वीजा एजेंट बैठी है व्हाट मीन बैठे दिस इज योर डोमपेट डोमपेट एक घंटा अपना डोमपेट। सो ये दफ्तर है और यहाँ पे जो है ना सो स्पॉन्सर वगैरह अप्लाई हो रहे हैं और जनाब काम चल रहे हैं। अच्छा बुक निकाल की शक्ल दिखा दूँ मैं आपको, ये ऑफिस है जनाब, ये मेरी फ्रेंड है अभी बैठी नहीं है कहीं गई हुई है, उसका वेट कर रहा हूँ। सो ये फॉर्म फिल करेंगे इनको देंगे और किताब सप्लाई करवाने हैं 2-3 बंदों के, और मेरा खुद का भी किताब सप्लाई होना है। तो ऑफिस आमीन सुमा आमीन यार। सो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं घर में और फज्र जुहर असर की नमाज़ अदा की है हम लोगों ने, एम्बेसी वगैरह से फ़रीग हो गए और जो डॉक्यूमेंट थे वो कुछ जमा करवा दिए और कुछ मैंने नहीं करवाए। अभी जा रहे हैं मार्केट में बिजनेस देखने के लिए, देखते हैं मार्केट में बिज़नेस की क्या रूटीन है, और कोई अंडे वगैरह ख़रीदने थे तो वो वगैरह अंडे वगैरह लेंगे हम लोग। सो और ये इंडोनेशिया के अंदर जो है ना जो ख़वातीन हैं वो अपने शोहर को इस तरह से जो है ना हाथ चूम के बोसा देती हैं, और जब हस्बैंड सोया होता है ना तो उसके पैर चूमती हैं माशाल्लाह से, और ये एक खावन की रिस्पेक्ट है। और आप अगर देखें ना तो रियल में जो हस्बैंड की रिस्पेक्ट की जाती है ना वो इंडोनेशिया के अंदर की जाती है। जैसे शौहर को जो है ना ये लोग स्वामी बोलते हैं, स्वामी मतलब आप समझते हैं इंडियन ज़बान के अंदर इसका क्या मतलब आप अच्छे से जानते हैं, मतलब कि इंडिया में जो है ना ये लफ्ज़ भगवान के लिए इस्तेमाल होता है स्वामी। सो स्वामी का मीनिंग ये है कि मेरा मतलब कि सर का ताज मेरा हस्बैंड मेरा शौहर। सो इसके और भी कई मतलब होंगे और कुछ लोग मुझे समझाने के लिए कमेंट में आ जाएंगे तो बोलेंगे कि भाई इसका मतलब ये नहीं है ये नहीं है, बहरहाल इंदा जेरा मतलब ही है ना इंदा जेरा ना चोड़े ओ यहाँ आके निकल दे जो इतना और ता जेरा ना अपने घर वाले दी बहुत बहु इज्जत कराइन बहु रिस्पेक्ट कराइन। सिर्फ मेरी बेगम ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी लड़की है ना वो जरा शौहर है ना उन्हें बिल्कुल ही मैं इज्जत करें रिस्पेक्ट करें ते जरा ना इमें चाह को बस पैर चुम दें घर वाले दे मसाद ये क्या है फ्रॉम अच्छा ये वर्जिश वाली मशीन है पलवान बनती पी पलवान कुश्ती फिर से हैं यू फाइटिंग डिश 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 यस एनी ट्रेनिंग वाह जी वाह अच्छा जनाब वाह जी वाह एक ही लो कहीं पे मशीन। गाइस ये वक्री वक्री चीज़ें जनाब इसने घर में रखी हुई हैं जिसका मुझे समझ नहीं लगती इसका क्या करना है। अच्छा मैं समझे चाहते यो लावण वाली है जैक लावण वाली है कई शायद लेकिन बारह ले अच्छा एक और तक करा है दिस इज व्हाट इज दिस एनी दिस इज दिस इज एनी व्हाट इज दिस अच्छा ए हुन नमी ए हुन नमे टूट कर रही है से मैंने मशीन ओ अच्छा ए मशीन है से
बस ये तो रहा है, ये तेरी मेहरबानी। ये मशीन तो रहा है बीमारी। अरे नो गुड हनी ग्रेसी। ओ अच्छा 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 ये जनाब अब मेरी अपनी पिछो पैर का मरना निकता। ठीक ठीक लुक मी यस। ये पसल जरा बच्चा खड़ा पसल जरा बच्चा खड़ा ये त्रोट वसा जरा तेरा हाल है। ठीक 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 बस पहुंच वैसे कोट दवा के जिला मुजफ्फरगढ़ आवने वाला बस नेड़े लगी होती है। चेक 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 काम को ए ए ए ए आ गए कोट दवा के सही मालिक वाक वाह वाह वस्ती आ गई है चाह फाती वाला मौत दरेगा आ गए सही मालिक वाक आ वन हूँ बात आ वन आ वन आओ इधर सुल्तान पकोड़े की दुकान तो समोसे खाने हैं। हनी समोसे की दुकान पर जुलूँ समोसे खाऊँ। समोसे हाँ सुल्तान काली पुल दे समोसे लेंदे सुल्तान दे समोसे हैं। वेयर कुंजी बाइक नॉट अंडरस्टैंड। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट में और आप लोगों को मार्केट दिखाते हैं फिर आप देखना ठीक है। ओके आई एम चेक आई एम सर्चिंग मैं खींच से दिखाती है कि देखिए मोटरसाइकिल दी। कम टू द आउटडोर अभी इस गाड़ी से गए थे और इसके धुएं निकाले हैं सही से हमने और दो घंटे का सफ़र था जनाब अब इसके धुएं निकालते हैं वन हेक तेलू ते त्राए ते खोलवाई लाग भाई जान। और ये जनाब मेरी ये मेरा चश्मा पड़ा हुआ है। अच्छा मैं अगर इसकी कीमत बताऊँ ना तो अक्सर ने इंडोनेशियन पैसे दसंदा खड़े तो इन करंसी जरा ना इंडोनेशिया की बहुत ज़्यादा लो है तो जरा ना इंडोनेशिया के पैसे जो ही जरा ना दसंदा खड़े मैं हालांकि बात बताऊँ ना ये मेरी चीज़ इतने की है तो आवाम जरा ना सड़ी ही में रही। अच्छा सो गाइस अभी जो है ना हम लोग आउट हो चुके हैं पहला गेट चेकआउट कर लिया है जनाब। ये है हमारा कॉलोनी और घर इंडोनेशिया। गाइस अगर आप अगर आपकी इंडोनेशिया में कोई गर्लफ्रेंड है और आप यहाँ पे शादी के लिए आना चाहते हैं सो आप लोगों ने सही चैनल सेलेक्ट किया है। हमारी पुरानी वीडियो में जाके देखें शादी की मुकम्मल मालूमात है। और अगर आपको इंडोनेशिया का वीज़ा चाहिए तो मेरे से मिल जाएगा मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ ताकि मैं आप लोगों को बिज़नेस की तमाम डिटेल दे सकूँ और इन फ्यूचर में जो वीडियोज़ बनाऊँगा बिजनेस के हवाले से ही बनाऊंगा। सो ये इंडोनेशिया में एक वैन चल रही है बच्चों की जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पाकिस्तान से अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं ना अंडों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो वैसे आधे अंडे जरा ना कंटेनर है चांदे ही त्रोट वैसे। सो ये छोटे लेवल का बिजनेस ये है। वो मेरा एक कज़न कहता था वो ना कहता था कि कहता था कि तुम्हारी बेगम जो है ना तुम्हें छोले की रेड़ी लगा दे जा इंडोनेशिया बेटा तू। अंडे चेक करें देसी हैं। वाह जी वाह क्या अंडा है माशाल्लाह। ये तो कुकर दे बहुत तरीका है रवे जरा अंडा है ये तो ये तो कुकर ही जरा ना मेरे ख्याल से हफ्ता पूरा कुकर तेल ले सी। और जनाब ये लोकल एरिया है लोकल से मुराद ये है कि मतलब अच्छा एरिया है ये भी बड़ा प्यारा जगह है खूबसूरत है। इनके रोड बड़े प्यारे बने हुए ये देखे जिधर जाए ना कारपेट बिछा हुआ है रोड कारपेट बिछा हुआ है। ओए घा लड़ी बंदे भेड़ चोद है खड़ी है हमारी मांझ भूखी खड़ी है। चुप
खड़ा आखी मरे ने लोग क्या आखसी ये इस तरह का कहता। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर। सो दिस इज़ बिजनेस इन इंडोनेशिया। सो इस तरह का बिजनेस है ये, लो लेवल का। सो ये बिजनेस मैक्सिमम जो है ना, मैंने इनसे पूछा आप स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी 1 लाख रुपए के अंदर। यार 1 लाख रुपए के अंदर बिजनेस स्टार्ट करके आप मंथली 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ, और ये मैं सच कह रहा हूँ, अगर ना कमाए तो मुझे मेरी घरबान आके पकड़ लेना। मैं इधर इन्हें पर्रो ना लिए क्लस्टर ना रहा, उतना ही रहना। उसके बाद जनाब ये छोटे लेवल का बिजनेस मैक्सिमम ये 2 से 2.5 लाख रुपए में स्टार्ट, 3 लाख रुपए में पाकिस्तानी। सो ये इनका सेटअप है। सो इस तरह के बिजनेस आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और छोटी जगह पे इस जगह का जो रेंट है ना, किराया पाकिस्तानी 12 से 14 हज़ार रुपये मंथली किराया है इसका। शाम हो चुकी है इंडोनेशिया की और हमारे खाने पीने का टाइम हो चुका है गाइस। सो अभी जो है ना, मैं जाता हूँ अंदर कमरे में और ये जो वीडियो अभी मैंने शूट किए इसको एडिट करता हूँ और इसको डालता हूँ ताकि आप लोग देख सकें, एंजॉय कर सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।